हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं डॉक्टर विशाल गर्ग MS ऑर्थो विश्वम होस्पिटल लुधियाना मॉडल टाउन तो बोल रहे हैं। असी विश्वम होस्पिटल मॉडल टाउन लुधियाना विच हुणे स्टार्ट किया है, जबकि मैं तो काफ़ी सालों तो लुधियाने विच काम कर ही रहा है। इत्थे नवे विश्वम होस्पिटल विच असी गोडे ते चूले बदलने की सेवावां दे रहे हैं। इस तों अलावा रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन जो कि बहुत छोटे चीरे नाल कीते जांदे हन, हड्डियां के कैंसर का इलाज भी किया जाता है, तो जो ट्रॉमा केसिस है, फ्रैक्चर के केसिस है, वो खराब तो खराब फ्रैक्चर भी असी इतने ठीक कर रहे हैं। इस तो इलावा जिमें बच्चों के पैर टेढ़े होंगे है, तो टेढ़े पैर सीधे करन दे पहला प्लस्तर भी लगते हैं, तो ऑपरेशन भी होंगे है, वह ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। इस तो अलावा हड्डियां संबंधित कोई भी बीमारी है, उसका सारा इलाज इतने पूरा लेटेस्ट टेक्नीक्स नाल किया जाता है। इस हॉस्पिटल में जो असी गोडे बदलते हाँ, वो असी लेटेस्ट टेक्नीक नाल बदलते हैं, जिदे विच चीरा भी आम चीरे नालों अद्धा तकरीबन हाफ साइज़ का ही हुंदा है। इस तो अलावा बार कोई टांका भी नज़र नहीं आता, तो स्टिच लाइन भी बिल्कुल बरीक एक लाइन जिनी पेंसिल लाइन जिनी स्टिच लाइन बनती है, जो कि 6 महीने बाद इन्नी स्किन च मिल जाती है कि मुश्किल नाल ही नज़र आती है। इस ते कई फायदे होंगे हैं जो इस छोटे चीरे नाल गोडे बदलन का ऑपरेशन है, मिनी इनसीजन टीकिया जो असं कहने हैं, ये कई फायदे है। ये एक तो पेशेंट न पेन नहीं होंगी, नहीं दे बराबर होंगी है। इस तो अलावा उसी बहुत जल्दी चला सकते हैं, क्योंकि चीरा बहुत छोटा है, टिशन डैमेज ज़्यादा नहीं होंगे, इसलिए पेशेंट को ऑपरेशन तो कुछ घंटे बाद ही असं चला सकते हैं। इस तो अलावा उसकी ब्लीडिंग भी नहीं होंगी, ब्लड चढ़ाने की लड़ भी नहीं पैंती। इस ऑपरेशन असं जो मिनी इनसीजन टीकेयर कर रहे हैं, ये असं कोई ड्रेन भी इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए कि बाद ब्लड भी नहीं आता है, तो ब्लड चढ़ाने की लड़ भी नहीं पैंती है। इस तो अलावा क्योंकि मसल में डिस्टर्बेंस बहुत घट की है, तो इस करके जो स्टिफनेस भी ज़्यादा नहीं होंगी, तो फिजियोथेरेपी की जरूरत भी घट जाती है। तो इस नाल गोडा एक तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, बहुत जल्दी मरीज चलन लग जाता है। इस तो अलावा गोडे की रेंज भी पूरी आ जाती है, गोडे की मूवमेंट पूरी आ जाती है, जिस नाल पेशेंट चौंकड़ी मार के भी बैठ सकता है। इस तरह जो असी चूल्हे बदलन के ऑपरेशन, एल्बो बदलन के ऑपरेशन, शोल्डर बदलन के ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशन जिहड़े लोड़वंद मरीज है उसकी लोड़ के मुताबिक किए जाते हैं। इस तो अलावा असी स्पाइन सर्जरी का सेंटर भी बनाया हुआ है, जिन्होंने रीढ़ की हड्डी की एक दिक्कत है। रीढ़ की हड्डी के काफ़ी मरीज तो दवाइया तो एक्सरसाइज नाल ही ठीक हो जाते हैं, पर जे किसी रीढ़ की हड्डी कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, वह ऑपरेशन भी असी बहुत छोटे चीरे नाल मिनीमली इनवेजिव टेक्नीक्स नाल करते हैं। तो रीढ़ की हड्डी के भी जो डिस्क की परेशानी है, या किसी की रीढ़ की हड्डी कोई गिर के फ्रैक्चर हो गया है, या बैक में नसा पर दबाव है, या बैक का टेढ़ापन है, रीढ़ की हड्डी कहीं टेढ़ी हो जाती है, ये सारे इलाज इतने पूरे तसली बख्श तरीके नाल बहुत ही जायज़ रेटा पर किए जाते हैं। रीढ़ की हड्डी के भी रिजल्ट असी अपने पेशेंट को बहुत अच्छे दे पा रहे हैं, तो जिहदा भी कारण मिनीमली इनवेजिव टेक्नीक्स है। इस तो अलावा साढ़े को मरीज आते हैं जिमें हड्डियां का कैंसर है, हड्डियां के कैंसर का इलाज बहुत ही घट जगह होंदा है, क्योंकि हड्डियां के कैंसर आम कैंसर नहीं होंगे, इन्हां दे ऑपरेशन भी बड़े स्पेसिफिक होंगे है। इन्हां विच जिमें हड्डी का कोई पोर्शन जे कोई निकालना भी पैंदा है, उहदे स्पैशल मैगा प्रोसेसिस आते हैं, वो पा के उन्हों रीकनसट्रक्ट किया जाता है। तो हड्डियां के कई सिस्टिक लीजनस है, GCT वगैरह है, उन्होंने बोन ग्राफ्टिंग सीमेंटिंग करके भी रीकनसट्रक्ट किए जाते हैं। तो हड्डियां के कैंसर का भी इलाज असी कह जा भी खराब तो खराब मरीज हो गए तो उसी करने की कोशिश करते हैं। इस तो अलावा अपना है ट्रोमा सेंटर। ट्रोमा सेंटर का मतलब की है कि हड्डियां के एक्सीडेंट केसिस का, हड्डियां टुटिया फुटिया हड्डियां का इलाज, वो जिमें प्लास्टर लगते हैं, ऑपरेशन होंगे है, जो हड्डियां के फ्रैक्चर्स से ऑपरेशन है, वह भी असी सीएम की मदद नाल, लेटेस्ट सीएम है साढ़े को, मदद नाल बहुत छोटे चीरे नाल कई सारे ऑपरेशन तो बिना किसी चीरे तो ही हो जाते हैं, क्योंकि और लेटेस्ट टेक्नीक्स के असी वायरिंग इस तरह कर दी है कि सिर्फ एक नीडल दे एंटर करन दा निशान हुंदा है, वह भी कुछ समय बाद लभदा नहीं है, तो आलमोस्ट विदाउट एनी स्कार
फ्रैक्चर के इलाज, कई तरह के फ्रैक्चर इलाज इदा हो जाते हैं। बाकी जिन्हों में ऑपरेशन की लड़ है उन्होंने भी बहुत ही छोटे चीरे नाल ये ऑपरेशन किए जाते हैं, जिदे पेशेंट की रिकवरी बहुत ही फास्ट होंगी है, पेशेंट बहुत जल्दी काम करने के लायक होंगे है, वो फ्रैक्चर की रिकवरी भी बहुत तेज़ होंगी है। इस तरह होर असं की देखते हाँ, जिमें बच्चों के पैर टेढ़े होंगे, जन्म तो ही बच्चों के पैर टेढ़े होंगे, वो पैर भी सीधे करने शुरुआती दौर में तो पहले तो प्लस्तर लगाए जाते हैं। जो बच्चा छोटी उम्र से साढ़े को कुछ दिनों के बच्चे का ही इलाज शुरू हो जाता है, ईवन एक दिन के बच्चे का भी जो पैर टेढ़ा पता लग जाता है वह इलाज पहले दिन तो ही स्टार्ट किया जा सकता है। जे इलाज टाइम से शुरू हो जाए तो फिर उस प्लस्तर ही पैर ठीक होने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। तो असं तकरीबन 80-90% मरीज तो प्लस्तर लगा के ही पैर सीधे कर लेते हैं। बाकी जे कोई मरीज लेट आता है या किसी डिफॉर्मिटी बहुत सीवियर या स्टिफ है तो उन्होंने ऑपरेशन की लड़ भी पैंती है, तो असी बच्चों छोटे बच्चों के पैर के ऑपरेशन करके वो पैर भी सीधे कर देते हैं। इस तरह हड्डियों के रोगों में किसी भी होर तरीके कोई भी हड्डी टेढ़ी हो गई है, छोटी हो गई है, लत को लंबा करना है, ये सारे ऑपरेशन असी इतने कर रहे हैं। तो ये सब इलाज करते हुए असी लोड़वंद मरीजों की भी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। महीने के तीजे इतवार असी BMD स्कैन कैंप लगाने हैं, जिसे में सारे मरीजों का हड्डियों का स्कैन फ्री किया जाता है, तो हड्डियों के मरीजों का फ्री चैकअप भी किया जाता है। सारे ऑपरेशन बहुत ही डिस्काउंटेड रेटा पर किए जाते हैं। अदरवाइज भी जो असी गोडे बदलन के या स्पाइन की सर्जरी करते हैं वो कई वड्डे हॉस्पिटलों बहुत ही घट तकरीबन हाफ रेट से ही किए जाते हैं, तो ऑपरेशन का पूरा तसलीबख्श इलाज किया जाता है। तो विश्वम हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर विशाल गर्ग MS ऑर्थोपेडिक्स, जो कि लुधियाने पहला भी होर भी कई हस्पतालों में आके काम कर रहा हाँ, तो तकरीबन 15 सालों तो लुधियाने ही अपनी सेवावां दे रहा हाँ। तो असी अपनी ये उपराला एक तो मरीजों का सही इलाज हो सके, सही रेट से हो सके, तो लोड़वंद मरीजों की जिन्नी वो तो असी हेल्प कर सकते हैं। गोडे मोड़न च सर कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल सही है। कितनी देर हुई सर ऑपरेशन नु? कोई 2 हफ्ते हुए। मैं सरजीत सिंह पिंड लालतों कला तो बोल रहा वा। मेरे पहला गोडिया तकलीफ सी, मैं 2 साल का बहुत औखा सी, मैनू डॉक्टर विशाल गर्ग बारे पता लग्या, तो उन्होंने मॉडल टाउन नवें अस्पताल से मैं ऑपरेशन की करवाया। दूजे दिन मैं तुरन लग गया बिल्कुल ठीक ठाक। इन्होंने मैं ट्राई कराई तो बिल्कुल मैं ठीक हाँ, हूँ मैं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बापू गोडे मोड़ के दसो किन्ने गोडे मोड़ते आने सीधे करो हूँ मोड़ो। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੋਡੇ ਪੂਰੇ 90% ਮੁੜਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੰਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ? 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਲੱਲਨ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੋ ਆਪ? ਮੈਂ ਜੁਗਿਆਨੇ ਸੇ ਹੂੰ, ਐਸੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਯੂਪੀ ਮੇਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਪਕੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਗਿਰ ਪੜਾ ਥਾ, ਐਸੇ ਪੈਰ ਮੇਰਾ ਫੱਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ? पहले सर दिखाए थे, फिर PGI वहाँ गए थे चंडीगढ़ बड़े हॉस्पिटल में। अच्छा जी। सर वहाँ भी 5-6 दिन इलाज करवाए, ठीक है, ऑपरेशन नहीं हो पाया था। अच्छा, वहाँ से परेशान थे, फिर भाग के यहाँ पता लगा तो यहाँ आए हैं। यहाँ कैसे पता लगा आपको? यहाँ सर हमारे मालक जो थे वो पता लगाए तो ये पता लगा कि वहाँ हॉस्पिटल सही है। फिर कैसा लग रहा है आप, जैसे फर्क है? हाँ सर फर्क है, आए हैं, फिर यहाँ ऑपरेशन भी हमारा हो गया। और परसों हुआ है सर? अच्छा। हाँ सर परसों ऑपरेशन हो गया, तब से हमें आराम भी हो गया। अच्छा। अब हम वो बैसाखी पकड़ के 2-4 कदम चल भी लेने लगे। हाँ सर। एक्सरसाइज करके ज्यादा करेंगे। एक्सरसाइज कब हुआ था?
सर इसी में रुके दूंगा। दो फाइलें क्यों बनाती हैं? हाँ जी सॉरी कर सी की हाल है? ठीक है सर बेटर आ रही है ना, बट जो मॉर्निंग कभी कभी बेंच भी ना हो जाता है पेन करता और मॉर्निंग ना थोड़ा बेटर सारा ही जल रहा है। एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी? हाँ जी एक्सरसाइज दूध पीना चाहिए हम मैं सरजीत सिंह पिंड लत्तों कला तो बोल रहा हाँ। मेरे पहला गोडिया की तकलीफ सी, मैं दो साल का बहुत औखा सी, मैं डॉक्टर विशाल गर्ग बारे पता लग्या तो उन्होंने मॉडल टाउन नवे हस्पताल से मैं ऑपरेशन करवाया। तीजे दिन मैं दूजे दिन मैं तुरन लग गया बिल्कुल ठीक ठाक, इन्हें मैं ट्राई कराई तो बिल्कुल मैं ठीक हाँ, हूँ हूँ मैं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बापू गोडे मोड़ के दसो कि गोडे मोड़ गए अपने सीधे करो हूँ मोड़ो ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੋਡੇ ਪੂਰੇ 90% ਮੁੜਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ? 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਦੁਰਿਆਣੀ ਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਏ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਾ ਕਿ ਦਿਨ ਆ ਸਕਦੇ ਮੋਰ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਮੋਰ ਟਾਊਨ ਮੈਂ ਸੁਮਨ ਹਸਪੀਟਲ ਪਤਾ ਹੈ सुमन वाली लाइन थी, सुमन से 100 मीटर पहले। हाँ विष्णु घोटे सीधे हो गए ना हम।